हेलो एवरीवन, रामन इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है। मैं दिसंबर 2018 सीएसआईआर नेट मैथमेटिक्स के कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं। तो ये रियल लाइफ इसका प्रॉब्लम है, ये यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी के ऊपर है। डोमेन दी हुई है इसने एक्स ग्रेटर देन जीरो, फंक्शन ये दिया हुआ है। तो यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी चेक करने के लिए पहले कंटिन्यूस होना जरूरी है फंक्शन का। देखिए, जो हमारा फंक्शन है, अगर हम देखें इसको ध्यान से, इसका ग्राफ क्या बनेगा, जैसे जैसे एक्स है इन्फिनिटी को जाएगा एफ एक्स जीरो की तरफ जाएगा, और जैसे जैसे एक्स है जीरो पॉजिटिव तरफ जाएगा एफ एक्स इन्फिनिटी तरफ जाएगा। तो इस तरह का ग्राफ बनेगा कुछ इस तरह का, ये जीरो है ये प्लस इन्फिनिटी। तो हमें पता है कुछ रिजल्ट्स हमें क्या पता है, रिजल्ट्स पता है हमें, एक तो पता है बाउंडेड इंटरवल के लिए और एक पता है अनबाउंडेड इंटरवल के लिए। बाउंडेड इंटरवल की रिजल्ट क्या है, यूसी है इफ एंड ओनली इफ लिमिट्स ऑन एंड पॉइंट एग्जिस्ट फाइनाइट। अनबाउंडेड के लिए क्या है, इफ लिमिट्स ऑन एंड पॉइंट एग्जिस्ट फाइनाइटली देन यूज कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू, ठीक है ना। और इफ लिमिट्स ऑन एंड पॉइंट्स डज नॉट एग्जिस्ट फाइनाइटली देन वी कांट से एनीथिंग, तो हम कुछ नहीं कह सकते। यानी कि अगर इंटरवल आपका हो बाउंडेड, बाउंडेड वो होता है जिसकी लेंथ फाइनाइट हो, तो इफ एंड ओनली रिजल्ट है। अगर आपका इंटरवल हो अनबाउंडेड तो कुछ नहीं कह सकते। देखिए, फर्स्ट ऑप्शन लेंगे, लिमिट एक्स टेंड टू जीरो पॉजिटिव कितनी आएगी, प्लस इनफिनिटी आएगी, तो एग्जिस्ट नहीं कर रही फाइनाइटली, तो हम कुछ नहीं कह सकते। सेकंड ऑप्शन में, जब लिमिट आर टेंड टू आर पॉजिटिव लोगे, एक्स टेन टू आर पॉजिटिव लोगे एफ एक्स, तो क्या आएगी, वन बाय रूट आर आएगी। लिमिट एक्स टेन टू इन्फिनिटी एफ एक्स जीरो आएगी, तो ये क्या कर रही हैं, एग्जिस्ट कर रही हैं फाइनाइटली, तो इसका मतलब यूसी है, तो ये यूसी है। सिमिलरली इसमें नहीं होंगी, सिमिलरली नेक्स्ट में कहता है कि ये ओनली, ये ओनली की वजह से कट जाएगा, ये ओनली की वजह से कटेगा। कहता है इसमें जीरो टू आर या जीरो टू इन्फिनिटी में, इसमें कैसे पता करोगे, तो इसमें आप है इंटरवल को ब्रेक कर लो, ऐसे करो जीरो टू वन यूनियन वन टू इन्फिनिटी, ठीक है। इसमें एंड पॉइंट पर एग्जिस्ट कर जाएंगी, इसमें यूसी होगा। अब इसमें यूसी नहीं होगा क्योंकि आपका इंटरवल क्या है, ये बाउंडेड है, तो इसमें क्या होगा, ये नॉट यूज, क्योंकि इफ एंड ओनली इफ है, तो पूरे इंटरवल में क्या होगा, नॉट यूज कट जाएगा। सिमिलरली इसमें ये वाला रिजल्ट लग जाएगा क्योंकि बाउंडेड इंटरवल है, नॉट यूज। सिमिलरली ये तो ओनली की वजह से कट गया, ठीक है ना। तो हम देख पा रहे हैं सेकंड ऑप्शन राइट है, तो हम इसको ग्राफिकल अप्रोच से भी कर सकते हैं। ग्राफिकल अप्रोच क्या कहती है, देखिए ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस, कि फंक्शन की इमेज का डिफरेंस क्या लेते हैं, लेस देन एप्सिलॉन। जब डोमेन के पॉइंट्स का डिफरेंस लेस देन और डेल्टा सभी के, हम क्या करते हैं, डोमेन के पॉइंट्स को आर्बिट्रेरी क्लोज करते हैं, तो उनकी इमेज का डिफरेंस भी आर्बिट्रेरी क्लोज आ जाए तो यूसी होता है, अगर ना आए तो नहीं होता है। देखिए, मान लो जिस इंटरवल में जीरो होगा, देखिए अगर आप है ये कोई दो पॉइंट लेते हो,
ये लिए मैंने एक्स वन एक्स टू, आर्बिट्री क्लोज है, इनकी इमेज का डिफरेंस भी कितना है, बहुत कम है। लेकिन जैसे जैसे आप जीरो के नेबरहुड में जाते रहोगे, देखो ये बहुत नजदीक पॉइंट नहीं है लेकिन उनकी इमेज का डिफरेंस अब बहुत बढ़ जाएगा। तो जीरो के नेबरहुड में लाइन है ऑलमोस्ट है, सीधी हो जाएगी, वर्टिकल हो जाएगी। तो इसका मतलब है जैसे जैसे मैं गैप कम करूंगा, इमेज के बीच का डिफरेंस है वो बढ़ जाएगा, आर्बिट्री क्लोज नहीं होगा। तो ये यूनिफॉर्मिटी, यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी को नहीं रखेगा, तो ये नॉट यूज ही होगा। तो हम ग्राफिकल अप्रोच भी लगा सकते हैं, यानी कि जिस पॉइंट के नेबरहुड में जो लाइन है वो वर्टिकल हो जाए, मतलब अगर हम दो पॉइंट के बीच में डिफरेंस देखें वो तो कम देखें लेकिन उनके इमेज के डिफरेंस है वो बढ़ जाए, तो वो नॉट यूज ही होगा। तो आप इस तरह से क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो रामानुजन इंस्टीट्यूट हर बार जनवरी में और जुलाई में नए बैच स्टार्ट करता है। तो जनवरी 3rd से हमारे नए बैच स्टार्ट हो रहे हैं, उनके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं, आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।